देखिए मेरा ये अलसी, जिसे तीसी भी कहते हैं, का लड्डू बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी तो होता ही है। जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत अच्छा चीज है। इससे कोलेस्ट्रॉल घटता भी है। गैस का भी जिनको प्रॉब्लम है उसके लिए भी तीसी काफी फायदेमंद है। तो अब इस मौसम में, ठंडी के मौसम में बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं इसका वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाय एवरीवन, मैं कुमकुम सिंह। कुमकुम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीसी का लड्डू बनाने के लिए देखिए मैं ये चावल, अरवा चावल ही हूँ, देख सकते हैं। इसको मैं धो लिया, दो तीन पानी से इसको धो लेना है। अब आगे क्या करना है, अब एक कपड़ा बिछा लेंगे। कपड़ा पे जो चावल हम धो के रखे हैं उसको पानी हटा करके उसको ऐसे फैला देना है, पानी निकाल करके। इसको धूप में नहीं रखना, इसलिए मैं किचन के स्लैब पर इसको फैला रही हूं। देखिए इसको किचन टावल पर हम रख दिए हैं और इसको ट्रे में कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि आपको पंखा के हवा में रखकर इसको थोड़ा, जैसे 10-15 मिनट से रखिएगा, सूख जाएगा हल्का, उसका इसको पीसेंगे। चावल को मैं फैन के हवा में रख दी हूँ। अब मैं आगे प्रोसेस बता रही हूँ। ये मेरा तीसी है, तीसी मेरा 100 ग्राम है और गुड़ जितना चावल का मात्रा है, जैसे मेरा 300 ग्राम गुड़ चावल है तो मेरा 300 ग्राम गुड़ है। गुड़ का मात्रा हम बराबर लेंगे। अगर आपको ये मीठा कम खाते हैं तो आप गुड़ का मात्रा घटा सकते हैं। अब एक पैन में सूखा लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं, ऑयल के इस्तेमाल नहीं करना है। ये तीसी को डाल देंगे, सूखा रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, चलाते रहना है। देखिए मेरा चावल सूख चुका है, देख सकते हैं आप। इसको बहुत ज्यादा नहीं सुखाना रहता, बस इसे पंखा के हवा में अगर रख सकते हैं तो इसको 1 घंटे में सूख जाएगा, नहीं तो हल्का धूप में भी आप 10-15 मिनट रखिएगा तो सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसको इससे ज्यादा नहीं सुखाना है। अब मैं इसको पीस ले रही हूँ, सूखा पीसना है इसको। देखिए उसी मिक्सी के जार में जिसमें मैं तीसी पीस के निकाली थी उसी जार में डाल दी हूँ, उसको पीस के तैयार कर ले रही हूँ। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। देखिए इसको फाइन एकदम पाउडर की तरह पीस के तैयार करना है। अब इसे स्टील के बर्तन में डालना है क्योंकि इसमें गुड़ का प्रयोग करेंगे। और मेरा जो बचा है चावल और मैं पीस के तैयार कर ले रही हूँ इसी तरीके से। अब काजू है उसको मैं थोड़ा सा रिफाइंड या घी जो भी डाल करके आप रोस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल दी हूँ और इसको रोस्ट कर ले रही हूँ। काजू का कलर चेंज हो गया है, बस इतना ही इसको रोस्ट करना है। इसको निकाल देंगे तल के। देखिए एक मोटा ये का कड़ाही ले लेना है और इसको सूखा ही हम चावल को, ये चावल मैं पाउडर तैयार किया उसको डाल के इसमें रोस्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ये इसमें गुड़ भी तैयार करना है तो इसी तरह का मोटा कढ़ाई लेना होगा। देखिए चावल को चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो जल जाएगा। हल्का भुनेगा और मेरा कुछ भुन गया है, खुशबू आने लगेगा, इसका कलर नहीं चेंज करेंगे इसको। देखिए हल्का कलर चेंज हुआ, ज्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना है और खुशबू आने लगा है भुनने का। बस मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। अब इसे मैं बर्तन में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। उसी कढ़ाई में मैं देखिए इसको साफ कर लिया है और पानी डाल देंगे। पानी मेरा इस कप से, हाफ कप से ज्यादा डाली हूँ मैं, क्योंकि इसमें पानी का मात्रा थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। और इसमें गुड़ डाल देंगे जो गुड़ में दिखाई थी। गुड़ और चावल का मात्रा बराबर होगा, इसको चलाते हुए मेल्ट कर लेना है। टूट जाएगा ऐसे दबा दबा के, तोड़ लीजिएगा टूट जाएगा। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। देखिए इसको चलाते हुए घोल लेना है और फ्लेम एकदम कम रखेंगे, ये तो तेज रखने पर क्या होगा कि गुड़ का तार बन जाएगा, हमको तार नहीं बनाना है। ऐसे दबा दबा के इसको तोड़ते जाना है। देखिए मेरा गुड़ अच्छे से घुल गया है, देख सकते हैं। बस उबाल आने पर रखना है, इसके बाद उसको उतार लेंगे। देखिए गैस का फ्लेम मैं बंद कर दी हूँ, इसमें उबाल अच्छे से आ गया था। और इसका एक तार का चाशनी बना, एक तार का, जैसे हल्का सा चट चट हो रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं। और इसको ठंडा कर लेना है, इसको मैं ठंडा कर रही हूँ अभी। चावल के पास आ गई हूँ। देखिये चावल में पहले ये सूतघी है, सूतघी मिला देंगे। देखिए इस चम्मच से 4 से 5 चम्मच मैं घी डाली हूँ। ये मेरा तीसी जिसको अलसी भी कहते हैं उसको मिला देंगे इसमें। ये मेरा दालचीनी, दालचीनी और इलायची का पाउडर है। दालचीनी हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, तो इसको जरूर अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, तो मैं डाल रही हूँ, टेस्टी भी होता है। एक किशमिश है, किशमिश मिक्स कर देंगे। अब सारे
देखो मिक्सर को मैं मिक्स कर लूंगी। घी को पूरे चावल में मिक्स अच्छे से कर लेना है, इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है, चम्मच से मिक्स नहीं होगा क्योंकि चावल में हमको घी को मिलाना है। ऐसे ऐसे करके देखिए मेरा मिक्सर तैयार हो गया है। अब इसको गुड़ को हम छान लेंगे छन्नी में, क्योंकि गुड़ में काफी गंदगी रहता है। गुड़ मेरा थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हाथ से ऐसे मिक्स करेंगे, इसको गोल गोल लड्डू की तरह बनाएंगे। पूरा ठंडा नहीं, हल्का गुनगुना जैसा है, ऐसे में बनाना है। देखिए इस तरह से तैयार कर लेंगे और बीच में इसको ऐसे दबा देना है, ऐसे देख सकते हैं पेड़ा की तरह बनाना है इसको। देखिए इसको लड्डू बनाने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसमें काफी मात्रा में घी डाला गया है। देखिए शेप थोड़ा दे देंगे ऐसे करके, इसी तरीके से मैं और भी बना ले रही हूँ। देखिए लड्डू सब मैं बना ली हूँ, अब उसमें मैं काजू से डेकोरेशन कर दे रही हूँ। इस तरह से काजू को सब में डाल देंगे। देखिए मेरा तीसी का लड्डू या फिर इसको अलसी का लड्डू भी कहते हैं बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी भी लगता है और काफी हेल्दी होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।